आइए हम आपको बताते हैं और बात कराते हैं दोबारा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर गायें खड़ी हुई हैं उनके लिए क्या और जो यहाँ पर गौशाला है काफी चहल पहल है, तो हम आपको एक एक चीज दिखाते रहेंगे इस गौशाला की, यहाँ पर लोग क्या है। और ये देखिए कितनी शानदार इन्होंने गौशाला बनाई हुई है और इसमें जानवर भी रखे हुए हैं। साफ़ सफाई भी देखिए अच्छी तरीके से, और छोटे छोटे जो जानवर हैं वो भी ये देखो कैसे बैठे हुए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बैठे हुए हैं, देखिए। ये बाल गोपाल गौशाला है जो बलौंगी के पास क्रीमेशन ग्राउंड के पास है। आज उस गौशाला की हम आपको दीदार करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे यहाँ पर जानवर रखे गए हैं। और ये जो गौधन है, अक्सर आप सुनते हो कि भाई गौधन जो है सड़कों पर बेकार हो रहा है, तो उसकी साफ संभाल के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर नंदी भी हैं, आप देखते जाइए, हम आपको और भी बहुत सारी तस्वीर दिखाएँगे गौशाला की। ये एक शानदार गौशाला, वैसे मोहाली में ना दो गौशाला है, एक जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ठेके पर चलती है, लेकिन ये जो बाल गोपाल गौशाला है एक ट्रस्ट के अंदर है। और आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई, और ये देखिए इनके लिए गर्मी में फ़ैन लगे हुए हैं, सारा इंतज़ाम है, फ़ैन चल रहा है। और ये देखिए कि यहाँ पर जानवर रखे गए हैं, आप देखिए कि गर्मी में हम आपको दिखाते, देखिए फ़ैन चल रहा है, इनके लिए बढ़िया इंतज़ाम है। और ये देखो उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं अलग रखे गए हैं। और इस गौशाला में हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि देखिए कैसे सारे जानवर जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं। वाह क्या बात है। तो ये गौशाला है बाल गोपाल गौशाला जो बलौंगी के पास है। आप इसमें देखो कि जानवर जो रखे हुए हैं, इस टाइम दोपहर 12 बजे के आसपास का समय है और जानवर जो है इस टाइम सारे इसके अंदर धूप सेक रहे हैं, रखे गए हैं। और ये और आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग जो है जानवर जो रखे गए हैं ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको अलग रखा गया है। ये गाय है, अच्छी नस्ल की गाय है जो यहाँ पर रखी गई है। और हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कुछ सहयोगी भी यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, तो हम आपको और भी दिखाते हैं कुछ है। देखो ना जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं के बच्चे हैं, तो इनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये यहाँ पर रखे गए हैं। ये गाय के बच्चे हैं, नंदी भी है। और इनके खाने की खुरलियों में देखो चारा है लेकिन कुछ कम है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जानवर रखे नहीं गए हैं, अभी जानवर जो बाहर निकाले गए हैं, तो जब जानवर यहाँ आएंगे तो उनको खाने के लिए यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो आप देखते जाइए कि ये गौशाला शानदार तरीके से बनाई गई है जो कि गर्मी में जानवरों को कोई दिक्कत नहीं आती और साफ़ सफाई भी है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं, जल्दी हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाएँगे कि जहाँ पर अभी लेटेस्ट में जो सड़कों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तरफ से ठेका दिया जाता है और जो जानवर होते हैं वो पकड़ के लाए जाते हैं, उनको भी दूसरे शेड में रखा गया है। हम आपको दिखाते हैं ये फैन, देखिए शानदार चल रहा है। और इनको ये देखिए एक दुधारू गाय है अच्छी नस्ल की, और यहाँ पर दूध भी निकलता है और दूध भी लोग ले जाते हैं, एक क्विंटल के करीब दूध जो है यहाँ निकलता है। देखिए क्या शानदार नंदी महाराज आराम फरमा रहे हैं। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं जल्दी, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हम आपको वो भी जानवर दिखाते हैं, गौधन दिखाते हैं जो कि मोहाली से अलग अलग जगह से पकड़ कर लाए गए और उनको नमें शेड में रखा गया है। ये देखो जी,
बकायदे हरा चारा इनके लिए रखा गया है और यहाँ पर लोग लगे हुए हैं हरा चारा, जो कि गर्मियों में जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए भैया कैसे कहते हैं हरा चारा जो है जानवरों को देने के लिए पैक कर रहे हैं। गौशाला में अच्छा अरेंजमेंट है। देखिए ये चारा आ गया है, गाड़ी आई हुई है बकायदे, और इन जानवरों के लिए सूखा चारा जिसको आप भूसा बोलते हो, टूड़ी बोलते हो, वो भी रखी गई है। स्टॉक कम है, लेकिन इनका कहना ये है कि जल्दी स्टॉक ख़त्म होने से पहले पहले आ जाता है। तो देखिए कितना बड़ा शेड इन्होंने रखा हुआ है, एडवांस प्लानिंग है इनकी, और चारा रखा हुआ भूसा जिसको बोलते हो आप, टूड़ी, वो जानवरों के लिए, क्योंकि हरा चारे से काम नहीं चलता, टूड़ी भी देनी होती है। ये देखिए क्या शानदार गाय जो है, ये भी गौशाला में है। तो ज़्यादा करके देखिए इनको भी कहीं खाना देख के वो लग रहा है और चले आ रहे हैं इस टाइम। तो जो आप देख रहे हो ये गौशाला है, बाल गोपाल गौशाला, जो कि मोहाली में बलौंगी क्रिमेशन ग्राउंड के पास बनी हुई है, और यहाँ का अरेंजमेंट जो है काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें ऐसा नहीं है, सभी जानवर काफ़ी खुली जगह में हैं, किसी जानवर को कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। जो हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं नमी लॉट, जो अभी अभी ये आए, ये गोरख भाई हैं जो यहाँ पर गौशाला में हैं और काम करते हैं। गौरख भाई कैसा लगता है आपको यहाँ रह के? बहुत बढ़िया लगता है भाई, है सेवा करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया लगता है। गौ माता की सेवा कर रहे हो? माता की सेवा करते हैं, सफाई सुथरी बिल्कुल, मतलब देखभाल करनी, जो बीमार होती हैं डॉक्टर क्या कहकर दवाई कराना है, मतलब बिल्कुल हम लोग वो करते हैं। बढ़िया अरेंजमेंट है, अच्छा मानते हो कि आप गौशाला अच्छा शानदार बनी है, किसी जानवर को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा गोरख भाई ने बताया कि बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, यहाँ काम भी करते हैं और देखभाल भी करते हैं जानवरों की। तो जैसा ये बता रहे हैं, कोई हम आपको कोई चीज़ दिखा छिपा नहीं रहे हैं, बता दे दिखा रहे हैं कि देखिए ये नवी लॉट जो है, अभी ये जानवर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इनके टैग भी लगाए हैं, इन जानवरों को जो है पकड़ के लाया गया है और यहाँ गौशाला में छोड़ा गया है। तो कुछ लोग ये जो कहते हैं ना गौशाला में जानवरों को बड़ी तकलीफ़ होती है, तो जो बाल गोपाल गौशाला है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लगता नहीं है कि कोई जानवर तकलीफ में है, सभी जानवर छाए में है और सभी के चेहरे की आवाज़ है, ये हमारे कैमरे को देख कर आवाज़ कर रहे हैं, काफ़ी कुछ शोर पा रहे हैं हम, तो ये अच्छे हैं। और इनको अब शायद क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, इनको खाना भी चाहिए, जैसे लोग आते हैं और वो खाना देते हैं इनको। तो ये जो गाय है गौशाला में, लोग आते हैं सेवा करते हैं और जो है अच्छा अरेंजमेंट है। देखिए कैसे वो लोग खिला पिला रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि डरने वाली बात नहीं है। बहुत सलाह भी आइए, दान कीजिए, वो मिलता है, गौधन की सेवा भी करनी चाहिए। यहाँ पर जो जानवर है, और आप देखिए कि यहाँ पर लोग आते भी हैं और सेवा भी करते हैं, अच्छा कुछ खिलाते हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा, मतलब ये ऐसा नहीं कोई जानवर आपको देख के लग रहा होगा बीमार है या उसके रखने में रख रखाव यहाँ पर ठीक नहीं है, अच्छा रख रखाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसी अगर गौशालाएँ जब रखी जाती है, देखिए चारा दिया जा रहा है, तो गौशाला में जब चारा दिया जा रहा है तो दोपहर का टाइम है, अब इस टाइम सबको भूख लगी है, आपको पता है दोपहर को हर किसी ने खाना खाना होता है, आपने भी खाना होता है, तब इनका लंच टाइम शुरू हो गया। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो सेवादार हैं, बाल गोपाल गौशाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग सेवा कर रहे हैं और सभी को चारा डाला जा रहा है, खाने को दिया जा रहा है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि यहाँ पर अभी जो वर्तमान में 350 और 450 के आसपास के करीब में जानवर रखे गए हैं, जिसमें नंदी भी हैं और गौ माता भी हैं। तो यहाँ पर जो इनका दूध अभी जो वर्तमान में निकल रहा है वो 1 क्विंटल के आसपास है, और ये कहना है, देखिए गौ माता कैसे ध्यान से कैमरे की तरफ देख रही है। तो काफ़ी ऐसा नहीं लगता कि इन जानवरों को देख करके इनको कोई तकलीफ़ है,
हम तो आपको ये कहेंगे कि जो हमने विजिट किया है इस गौशाला में, हमने आपको सारी तस्वीर दिखाई है, यहाँ का एक एक रख रखाव दिखाया कि अगर गौशाला बनी है तो वाकई शानदार गौशाला बनी है। इसे देखने के बाद लगता है कि हाँ भी आप खुद आइए, अपनी आँखों से जानवरों की स्थिति को देखिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि जानवर कैसे यहाँ पर रहते हैं, कैसा रख रखाव है। जल्दी हम यहाँ पर जो बाल गोपाल गौशाला की बात करें, जो यहाँ पर डॉक्टर है, जो डॉक्टर देखभाल करते हैं इनकी, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आ चुके हैं तो हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सभी खाना खाने पर लगे हुए हैं इस टाइम, और आपको रख रखाव। और एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, गोग्रास की तरफ से जो रेड़ियाँ आती हैं, रेड़ियाँ से आपने देखा होगा कि जो रेड़ी लगाई होती है गोग्रास में, जो आप दान करते हो, जो आपने घर की पहली रोटी, जिसको दिखाया जाता है कि पहली रोटी जो है गाय माता के लिए निकाली जाए, तो देखिए जय गौ माता जय गोपाल, ये जो चीज़ है आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें देखिए ये सारी रेड़ियाँ आके यहाँ पर खड़ी होती हैं, लोग यहाँ पर ब्याह के जो है देते हैं। और हम आपको नंदी की तरफ ले चलते हैं कि जहाँ पर, यहाँ पर एक सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि अलग अलग जानवर अलग अलग बाड़े में रखे गए हैं। देखिए ये सारे नंदी हैं और नंदी महाराज भी कितने खुशी से इस गौशाला में रह रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और इनके चेहरे को देख लीजिए आप, तो ऐसे लगता है कि गौशाला में नहीं जैसे किसी ने अपने घर में रखा हो। इतने प्यार से, इतने शानदार तरीके से ये रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई जानवर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा नहीं है, सारे जानवर जो है आराम से अपना जो खाना है वो तो आप देखते जाइए। कुछ को अलग किया गया है, आप ये देखिए ना, इनको अलग किया गया है, ये गाय हैं। तो जो यहाँ के प्रबंधक हैं डॉक्टरों का ये कहना है कि इसमें कुछ गाय या गौधन बीमार होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको अलग बाड़े में रखा जाता है ताकि उनका जो है देखभाल जो है अच्छी तरीके से हो सके और वो स्वस्थ हो सके। तो इतनी जगह है बाल गोपाल गौशाला के पास, इतनी जगह है कि हम आपको एक एक तस्वीर यहाँ की दिखा रहे हैं, रख रखाव के बारे में दिखा रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी हैं सागर जी, वो कुछ अगर बताना चाहते हो, उन्होंने गौशाला आप भी देखी है तो सर गौशाला के बारे में आप क्या? गौशाला तो बेहद बेहतरीन है, मैंने पहले वाली गौशाला भी देखी है, उसमें वो MC के अंडर है तो वहाँ पे जितनी जगह है उससे ज़्यादा वो रखी हुई है वहाँ पे गऊँ बेहद, तो वहाँ पे आमने सामने रखी है तो रख रखाव पर यह। मगर ये जो गौशाला है, ये जो गौशाला है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खुली खुली गायें सारी जगह है, 350 से 400 गायें यहाँ पर अवेलेबल है जो रखी हैं। और मैं आज देख रहा हूँ उनको यहाँ पे कितना चारा, कितनी हरी ट्यूब, सारा कुछ मिल रहा है। इस टाइम उनके भोजन खाने का समय है, वो हमें भी देख के निहार रही है कि शायद हम भोजन उनके लिए लेकर आए हो, पर उनके लिए हम भोजन नहीं लेकर आए, हम अगली बार आएंगे तो उनको भोजन उनके लिए जरूर लेकर आएंगे। और मैंने यहाँ भी देखा जितनी भी यहाँ पे गायें हैं जो बैठे हैं सब में उन्होंने टैग लगा रखे हैं। अभी वैसे ये कोई संस्था बाल गोपाल की तरह से संस्था से चल रही है, अभी नगर निगम इस पर का कोई पैसा नहीं आ रहा है, बाकी अभी देखते हैं। अगर डॉक्टर साहब से बात करते जो या डॉक्टर साहब यहाँ पे इनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं, इनका सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? हाँ जी, डॉक्टर साहब कुछ बताया गौशाला में कितने यहाँ पे जानवर हैं जहाँ, और क्या क्या कैसी आप सेवाएं यहाँ पे देते हैं? यहाँ 500 के करीब जानवर हैं ये, और हमारे यहाँ 3 बार सफाई होती है और बढ़िया चारा, आज टाइम मक्की आ रही है, बढ़िया चारा तूड़ी का पूरी सेवा हम करते हैं। आपने और भी गौशालाओं में काम किया होगा, यहाँ पे आपको क्या बेहतर लगा? यहाँ एक तो हमारा यहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ मैं पहले यानी कि काम किया हुआ है, तो जहाँ का ये है भी एक तो जो है गायें हैं प्रॉपर हैं, गायें पूरी हैं यहाँ, और क्वांटिटी इसमें नहीं आ आए से। अच्छा, जो नगर निगम जो गायें पकड़ के लाता है और उसको आप उसके स्वास्थ्य के लिए कैसे यहाँ पे दवाइयाँ जो सारा कुछ यहाँ पे पूरा? हाँ जी, पूरा ट्रीटमेंट यहाँ होता है, सब दवाइयों का होता है, सब खुराक का, सब ट्रीटमेंट होता है यहाँ का। और यहाँ की कोई विशेषता जो आपको जहाँ ये आप देख रहे होंगे, आपने घूमा होगा हमारी गौशाला में, मतलब वो आपने देखा ही है, सफाई बहुत ज़्यादा है हमारे तरफ से। अब हम दिखा रहे हैं आपको ये पूरी गौशाला, ये देखिए गौशाला, इन टाइम इनके भोजन का समय है, ये हमें देख रहे हैं बार बार और हमारे पास ही आ रहे हैं।
जल्दी और भी सेवादार आएंगे जो इनको खिलाए पिलाएंगे और निहारेंगे। सारा कुछ हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ठीक है। ये देखिए तस्वीरें जो सारी आपको दिखा रही हैं, जिनमें नंदी बैल है और गौ माताएं हैं जो लगातार अब अपने भोजन के लिए वेट कर रही हैं और सेवादारों की तरफ से उनको चारा डाला जा रहा है। बाकी हम आपको कुछ इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए जो खुली में अभी इनको एक खुली जगह पे छोड़ के गया है और इनके इनको खोल के रखा हुआ है, जिससे आराम से यहाँ पर सैर सूर करके अपना जीवन व्यतीत कर सके। गाय घूम रही है। आइए हम आपको बताते हैं और बात कराते हैं दोबारा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर गायें खड़ी हुई हैं उनके लिए क्या जो बाहर से गाय पकड़ती है वो लोग क्या करते हैं, जो सब्जी का छिलका फ्रूट का छिलका होता है वो पॉलीथिन में बीच में गांठ बांध के या बाहर फेंक देते हैं। फिर वो क्या करती हैं, गायें होती हैं वो पॉलीथिन छिलका खाने के चक्कर में सारी पॉलीथिन खा जाती हैं। तो मैं उनसे ये बेनती करना चाहता हूँ कि छिलका फेंकना होता है पॉलीथिन के अंदर मत फेंका करो उसको। और आप लोगों से, जनता से क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील करना चाहूँगा मैं जनता से भी, ये पॉलीथिन है, जब पॉलीथिन में उसमें सब्जी का छिलका मत फेंको, पॉलीथिन डस्टबिन में पाओ और वो सब्जी का छिलका। एक सवाल ऐसा करते हैं, यहाँ की जो मेंबर कमेटी है सारे अच्छा कहते हैं जितने भी डॉक्टर के यहाँ पे एम्प्लॉय रखे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सरदार बलवीर सिंह सिद्धू जी का और नरेश कंसल जी का, मुकेश बंसल जी का और संजय अग्रवाल जी का, जिन्होंने ये उपराला किया है। जो बाहर रोड वाली गायें जो ऐसा नहीं, हम यहाँ जॉब करते हैं इसलिए कह रहे हैं। नो सर, ये आपने गौशाला में घूमा हुआ है, सारी में आपने देखा हुआ है, यहाँ तीन बार सफाई होती है, ये सफाई देख लो, गाय जगह बना रखी है। आपको कहीं भी गौशाला में चले जाओगे या खुला छोड़ने की जगह नहीं होगी, सारा दिन गाय एक ही जगह में और गोबर में खड़ी रहेंगी। जहाँ आपने घूमा है हमारी गौशाला में आपने देखा हुआ है, सारा सूखा पड़ा है, सफाई हो चुकी है, शाम को चारा पड़ेगा और सारी गाय अंदर कर देंगे हम।